हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है, बड़ौदा में खुद के घेराव पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे घेराव का गलत प्रचार दिखाया गया, इसी के तहत आपको बता दें विपक्षी दलों ने किया मेरे खिलाफ गलत प्रचार। जेपी दलाल की ओर से बात भी कही गई, लोगों ने चुनाव में दिखा दिया उन्हें बीजेपी का राज चाहिए, बीजेपी का शासन चाहिए, कांग्रेस अपनी हार के लिए ईवीएम को गलत बताती है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 12 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कांग्रेस अपने बिचौलियों को साथ लेकर प्रदर्शन कर रही है, ना कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते संवाददाता राकेश गुप्ता की ओर। राकेश जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर प्रहार किया और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते उन्हें बताया कि वो किसानों को गुमराह कर रही है, और बड़ौदा के बारे में भी उन्होंने कहा कि जहां उनका विरोध हुआ सोशल मीडिया पर गलत प्रचार प्रसार उनका किया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज जेपी दलाल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो बड़ौदा में सरकार ने विकास काम किए हैं उसका ब्यौरा दिया। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है किसानों को बरगला रही है और किसान जो ये आंदोलन कांग्रेस का है ना कि किसानों का। इसके साथ साथ उन्होंने जो उनका घेराव हुआ था उसको लेकर भी कहा कि सोशल मीडिया पे जो है उनका ज्यादा जो है गलत खबरें दिखाकर प्रचार किया गया। इसके साथ साथ दलाल ने ये भी कहा कि दूसरी जो पार्टियां हैं वे पत्थर लगाने में विश्वास रखती हैं जबकि भाजपा काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा 65 करोड़ रुपए जो है विभाग ने मंजूर कर भेजे हैं और उन्होंने ये भी कहा ये जो राशि है पंच और सरपंच के खातों में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 85 किलोमीटर सड़कें जो हैं 13 करोड़ की लागत से बनाई जा रही हैं और 56 गांव जो यहाँ हैं इसके इस इलाके में किसानों को हैपर के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राइस मिल 12 करोड़ की लागत से यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि IMT के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और एक एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से निकल रहा है जिससे जिस दिल्ली का रास्ता है बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के किसानों को लाभ मिलेगा, अधिकारियों को जल भराव को रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए काम करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जो है किसान और PTI JBT जो टीचर है उनके कंधे पर अक्सर बंदूक चला रही है और लोगों ने दिखा दिया है कि अब केंद्र में जो मोदी का चल रहा है शासन राज्य में मनोहर लाल का ही शासन चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी कहा कि जो जीत है उपचुनाव में वो भाजपा की होगी और हालांकि पहले इनेलो और कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है लेकिन अब जो स्थिति है लोग यहाँ के लोग जो हैं सत्ता में भागीदारी रखना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि हालांकि जो नामांकन के समय जो है उम्मीदवार का फैसला कर लिया जाएगा जसपा और भाजपा में से कौन उम्मीदवार होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वहाँ पिछली दफा जो है ज्यादा मत हासिल किए थे तो ऐसे में भाजपा का उम्मीदवार जो है वहाँ से होगा लेकिन कोर कमेटी के जो गठबंधन के जो हाई टॉप के लोग हैं जो कोर कमेटी के लोग हैं उनकी मीटिंग अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये मीटिंग बुला ली जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी कई अहम बातें कही थी। इसी दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपनी हार के लिए ईवीएम को गलत बताती है और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस अपने बिचौलियों को साथ लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच बड़ौदा में कृषि मंत्री जेपी दलाल गए और बड़ौदा के मुडलाना गांव में उन्हें काले झंडे दिखाए गए, पीटीए टीचर्स ने उनको काले झंडे दिखाए, इनके साथ किसान भी उनके साथ नजर आए, जेबीटी टीचर्स भी उनके साथ नजर आए। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो कांग्रेस के ही समर्थक थे, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और इन्हें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया, सोशल मीडिया पर गलत प्रचार प्रसार इनके खिलाफ किया गया।